महाभारत में अर्जुन का चरित्र विशेष रूप से सभी को आकर्षित करता है। पार्थ, किरीटी, सव्यसाची, गांडीवधारी, गुणाकेश न जाने कितने ही नामों से वे जाने जाते हैं। वे श्रेष्ठ धनुर्धर हैं, द्रौपदी को स्वयंवर में जीत लाने वाले वीर हैं, कृष्ण के सखा हैं, युद्ध में वीरता दिखाने वाले युद्धवीर हैं। वनवास के दौरान पांडवों ने वेश बदलकर विराट राज्य में शरण ली। सभी पांडव विराट राजा के यहाँ वेश बदलकर कार्य करने लगे। द्रौपदी जहाँ दासी बनकर सेवा करने लगी, वहीं अर्जुन को एक वर्ष तक किन्नर बनकर रहना पड़ा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अर्जुन को किस श्राप के कारण किन्नर बनकर रहना पड़ा? यह हम आपको बताएं उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। भगवान शिव से पाशुपतास्त्र और अंजनास्त्र प्राप्त करने के बाद अर्जुन को उसके पिता इंद्र अमरावती देवों की राजधानी ले गए। अमरावती में रहकर अर्जुन ने देवताओं से प्राप्त हुए दिव्य और अलौकिक अस्त्र शस्त्रों की प्रयोग विधि सीखा और उन अस्त्र शस्त्रों को चलाने का अभ्यास करके उन पर महारत प्राप्त कर लिया। फिर एक दिन इंद्र अर्जुन से बोले, वत्स, तुम चित्रसेन नामक गंधर्व से संगीत और नृत्य की कला सीख लो। चित्रसेन ने इंद्र का आदेश पाकर अर्जुन को संगीत और नृत्य की कला में निपुण कर दिया। एक दिन जब चित्रसेन अर्जुन को संगीत और नृत्य की शिक्षा दे रहे थे, वहां पर इंद्र की अप्सरा उर्वशी आई और अर्जुन पर मोहित हो गई। अवसर पाकर उर्वशी ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, आपको देखकर मेरी कामवासना जागृत हो गई है, आथा आप कृपया मेरे साथ विहार करके मेरी कामवासना को शांत करें। उर्वशी के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था, आथ पुरु वंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता के तुल्य हैं। देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अर्जुन की बातों से उर्वशी के मन में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ और उसने अर्जुन से कहा, तुमने नपुंसकों जैसे वचन कहे हैं, आथ मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम एक वर्ष तक पुंसत्वहीन रहोगे। इतना कहकर उर्वशी वहां से चली गई। जब इंद्र को इस घटना के विषय में ज्ञात हुआ तो वे अर्जुन से बोले, हे पुत्र, तुमने तो अपने इंद्रिय संयम द्वारा ऋषियों को भी पराजित कर दिया। तुम जैसे पुत्र को पाकर कुंती वास्तव में श्रेष्ठ पुत्र वाली है। उर्वशी का शाप तुम्हें वरदान रूप सिद्ध होगा। भूतल पर वनवास के 13वें वर्ष में तुम्हें अज्ञातवास करना पड़ेगा, उस समय यह सहायक होगा। उसके बाद तुम अपना पुरुषत्व फिर से प्राप्त कर लोगे। इस शाप के कारण ही अर्जुन एक वर्ष के अज्ञातवास के दौरान बृहन्नला बने थे। इस बृहन्नला के रूप में अर्जुन ने उत्तरा को एक वर्ष नृत्य सिखाया था। उत्तरा विराट नगर के राजा विराट की पुत्री थी। अज्ञातवास के बाद उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।